गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुम्हें पिछले लेक्चर च ये दो न्यूमेरिकल देके गया सी, जेडे साडे न्यूमेरिकल्स लेटर सी लाइक क्वांटिटी एडेड एज सबट्रैक्टेड दे विच आपां ए ते बी कांस्टेंट दे डिमेंशन पता करने सी, ते मैं जान के थोड़े टफ न्यूमेरिकल दिते ताकि थोड़ा थोड़ा जहा माइंड है जरा खुद सोचे कि आप कि सॉल्व कर सकते हैं। ये जिन्हें थोड़े पहला करवाए हुए न्यूमेरिकल तो थोड़े जो डिफरेंट सी, अज आप सॉल्व करते हैं। देखो सारे का ध्यान इन्हों न्यूमेरिकल से उम्मीद है बड़ी दिलचस्पी के नाल होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल मैनू लगता है भी किसी का सॉल्व नहीं होया होना। तो पहला न्यूमेरिकल टी इज टाइम एंड एक्स इज डिस्टेंस। हुण देखने न्यूमेरिकल बहुत औखा लगता है पर है बहुत सौखा। देखो जिहड़ियां दो क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो रही हैं उन्होंने डिमेंशन सेम होणगे। पहला प्लस माइनस देखो कि हो रहा है, प्लस माइनस इस चाहे दो माइनस हो रहा है, ये टी स्केयर है, टाइम का स्केयर है, तो यह भी टी स्केयर ही है। तो इट मीनस डिमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू टी स्केयर टाइम का स्केयर है। देखो ए दे विच टाइम का स्केयर माइनस हो रहा है, डिमेंशन ऑफ ए की होगा टाइम का स्केयर, नहीं टी का स्केयर, टाइम भी टी लेते हैं अभी, तो साढ़े को हो गया टी का स्केयर। हुण गल करते हैं आप बी दे डिमेंशन की, तो बी का डिमेंशन कटना है, बी को इधर लिया एक्स नीचे चल जू, तो डिमेंशन ऑफ बी कटना है, बी को इस पास लिया तो एक्स नीचे चल जू। आप इस रीअरेंज किया हूँ सानू डिस्टेंस का पता, टाइम का पता, ये टी है। देखो ए का की आया टी स्केयर माइनस टी स्केयर जिवें एल प्लस एल एल होंदा है, ठीक है ना, टी प्लस टी टी होंदा है। आपां लाइक क्वांटिटी की शुरुआत बेसिक यही करे सी वी टाइम जे टाइम जुड़ता है तो डिमेंशन टाइम का ही आता है, मास जे मास जुड़ता है डिमेंशन मास का ही आता। तो हुण इन्हां दे डिमेंशन बन गए टी स्केयर माइनस टी स्केयर, जान के ये उपर लगता टी स्केयर ही बन गया टाइम का स्केयर। जे जे डिस्टेंस एल है तो एक टाइम टी है, तो टी नाल टी दी एक पावर देखो कैंसल होगी क्योंकि ये उपर जाके टी माइनस वन बनूगी, तो साढ़े को बन गया एल उपर जाके माइनस वन बनूगा, नीचे एल की पावर प्लस वन है उपर जाके माइनस वन, ये टी उपर जाके माइनस वन बनूगा, टू चो माइनस वन कटांगा। तो यह साढ़े को डिमेंशन फार्मूला आ गया बी का, ए आ गया ए का, सॉल्व हो गया। इस तरह मैं इसकी गल करता, तो इतने देखो ये वेलोसिटी है तो यदा डिमेंशन फार्मूला वेलोसिटी बराबर, यदा भी वेलोसिटी बराबर, यदा भी, क्योंकि वेलोसिटी 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 तो वेलोसिटी बनया, तिना का जोड़ जे तिने वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बनूगा, तो डिमेंशन ऑफ ये वेलोसिटी के बराबर है एल वन टी माइनस वन। ये बी टी का डिमेंशन कि बराबर है वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि तिना का जोड़ होकर की बनया वेलोसिटी बनया, डिमेंशन ऑफ बी की बनूगा बी टी सॉरी वेलोसिटी के बराबर। हुण मैनू तो कहता बी चाहिए टी नीचे चल जूगा, तो डिमेंशन ऑफ बी ये टी नीचे चला गया, ये टी नीचे आ गया, इधरों इधर बी दे नाल टी सी ना वो डिनोमिनेटर च आ गया, तो टी उपर जाके माइनस वन बनूगा, तो एल वन टी माइनस टू, लो जी बी का डिमेंशन पता लग गया सानू। हुण सानू पता करना सी का, पहला डी का पता कर सकता मैं, डी च की प्लस हो रहा है टाइम, तो डी की होया टाइम ही होया क्योंकि दो सेम क्वांटिटियां जुड़ सकदियां, तो डिमेंशन ऑफ डी की हो गया पहले ही पता लग गया सानू टाइम है, क्योंकि टाइम के डिमेंशन डी डी जुड़ रहा तो डिमेंशन सेम हो गए जो टाइम का डिमेंशन वही डी का। हम सी की गल करिए, डिमेंशन ऑफ ये पूरे फैक्टर का डिमेंशन किसी वेलोसिटी के बराबर है, क्योंकि यह पूरा फैक्टर इन्ना जुड़ के इन्ना जुड़ के वी बना रहा है, तो पूरा फैक्टर की है सी प्लस डी टी कि बराबर है डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बराबर। मैं हूँ डी प्लस टी मैं सी करना डी प्लस टी उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डिमेंशन ऑफ सी बराबर होगा डिमेंशन ऑफ बी दे नाल इधर जाके डी प्लस टी मल्टीप्लाई हो जू, पूरा फैक्टर उधर जाऊगा मल्टीप्लाई हो जूगा, तो टाइम प्लस टाइम टाइम आ गया तो टी आ गया, वेलोसिटी का तुम्हें पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों डिमेंशन ऑफ डी आ गया
सी आ गया, सॉरी वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का भरिया सी। हुण ये भी टी है, देखो उपर कढ़िया डी का टी, टी प्लस टी टी लो जी, टी नाल टी प्लस का यह माइनस टी है कट गया, तो साडे उपर का की रह गया एल वन। तो यह थोड़े जो न्यूमेरिकल सी वह सॉल्व करते, उम्मीद है सारे ने सारे समझ आ गया, तो सारे हम इस नोट डाउन करके मैनू क्लिक्स हैं जी ग्रुप के भेजेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।